good morning students this is the fifth and last lecture of chapter number 9 that is force work and energy of class 5th from cordova science today we will discuss about different types of simple machine so let's start inclined in previous lecture we had discussed already discussed about liver and pulley and today we will start with inclined plane अ सिंपल मशीन डार्ट है स्लोपिंग सर्फेस इज कॉल्ड आन इंक्लाइं प्लेन इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं एक सर्फेस जो कि क्या होती है स्लोपिंग सर्फेस मीन्स जो ढाल वाली सर्फेस होती है उसको क्या कहते हैं हम इंक्लाइंड प्लेन जैसे कि ये एक पेन है पेन का ये ढाल वाला ढाल हो गया इसमें स्लोप है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम एक इंक्लाइं प्लेन कहेंगे सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन आर रैम्स स्लोपिंग वुडन प्लैंक्स एंड स्लाइड्स क्या होता है जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल एक, हैं जैसे कि घर के सामने रैम्प्स बनते हैं स्लोपिंग वुडन प्लैंक्स होते हैं और जो काम जो सामान को वो करने में यूज़ किया जाता है स्लाइड करने में यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ हॉस्पिटल्स में भी किया जाता है पेशेंट को जब स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी बने होते हैं इंक्लाइन प्लेन और बच्चों का जो एक स्लाइडिंग जो झूला होता है उसमें भी इसी का यूज़ किया जाता है इंक्लाइन प्लेन को ही बनाया जाता है वहाँ पे यू मस्ट हैव सीन इन हॉस्पिटल एज आई सेट हॉस्पिटल इंक्लाइन प्लेन आर प्रोवाइडेड सो दैट व्हील चेयर कैरिंग पेशेंट कैन बी ईजली पुश्ड क्या होता है व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर पे जो पेशेंट को ले के जाते हैं उसको आसानी से ईजली उनको पुश किया जा सके और ऊपर ले जाया जा सके और नीचे भी लाया जा सके नेक्स्ट स्क्रू स्क्रराउंड क्या होता है, क्या है? एक इनक्लाइंड प्लेन है यह भी क्या है इनक्लाइंस प्लेन है जो कि एक रॉड uh, के चारों साइड पे इसमें uh, uh, वो बने रहते हैं निशान बने रहते हैं स्क्रू लुक्स लाइक अ नेल विथ ग्रूव कट इन इंटू इट क्या होता है uh, इसमें स्क्रू uh, क्या होता है एक नेल की तरह दिखता है जिसमें ग्रूव्स होते हैं कट uh, uh, होते हैं उसमें इट हैज अ वाइंडिंग एज कॉल्ड अ थ्रेड इसमें क्या होता है वाइंडिंग एज होती है जिसको हम क्या कहते हैं थ्रेड कहते हैं टू इंसर्ट अ स्क्रू इन अ वुड इट इज स्क्रूड इन बाई टर्निंग इट राउंड एंड राउंड विद द स्क्रू ड्राइवर जब हमको स्क्रू को किसी भी चीज़ के अंदर वुड के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जब डालना होता है तो क्या करते हैं हम उसको जो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ से स्क्रू डाइवर की हेल्प से इसको राउंड 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 करके उसमें इंसर्ट करते हैं लेस फोर्स इज रिक्वायर टू इंसर्ट अ स्क्रू इन द वुड दाना नेल क्या होता है अगर हम एक शार्प नेल ले लें उसको हमें अगर किसी वुड में इंसर्ट करना हो और एक स्क्रू को इंसर्ट करना हो तो हमें स्क्रू को इंसर्ट करने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अ नेल द स्क्रू कैन होल्ड थिंग्स टूगेदर टाइटली स्क्रू क्या होता है थिंग्स को टाइटली होल्ड किया होता है स्क्रू जैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्रू स्क्रू जैक क्या होता है uh, ये जो दिया गया है फिगर ये क्या है एक स्क्रू का एग्जाम्पल है नेक्स्ट पील एंड एक्सिल ईच टाइम यू टर्न द नॉब ऑफ योर वॉटर टैप और डोर नॉब ऑफ़ योर हाउस यू आर सीइंग अ सिंपल मशीन दैट इज़ व्हील एंड एक्जल क्या होता है जब भी हम अपने घर में या स्कूल में कहीं पे भी वाटर टैप को टर्न करते हैं या अपने डोर को जो घर के डोर होते हैं या कहीं भी डोर होते हैं उनको जब हम खोलते बंद करते हैं तो क्या होता है हम देख उसमें भी क्या होता है हम एक व्हील और एक्सल लगा होता है जिसको एक सिंपल मशीन कहते हैं उसका यूज़ किया जाता है उसमें अ व्हील विद अड अटैस टू इट इज नोन एज अ व व्हील एंड एग्जल अरेंजमेंट क्या होता है एक व्हील में एक रॉड लगी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं व्हील एंड एग्जल अरेंजमेंट जैसे क्या है ये है ये व्हील का काम कराए स्क्रू ड्राइवर है ये क्या है ये व्हील है और इसमें ये जो रॉड लगी है ये एक्जल है तो इसी को क्या कहते हैं हम व्हील एंड एक्जल अरेंजमेंट वेन वी टर्न द व्हील एक्जल ऑल्सो टर्न अब इसमें यह जो व्हील होता है और एक्सल क्या होता है एक्जल इसमें फिक्स होता है तो जब हम व्हील को टर्न करते हैं तो हमारा एक्जल भी क्या को होता है टर्न होता है इन अ स्क्रू ड्राइवर द थिक हैंडल वर्क एज द व्हील एंड द थिन मेटल रॉड एज द एक्सल जो स्क्रू ड्राइवर में ये जो थिक वाला पार्ट है ये इसको uh, uh, व्हील कहते हैं और ये जो थिन पार्ट होता है जो मेटेलिक होता है उसको क्या कहते हैं एक्सल कहते हैं विद दिस अरेंजमेंट इट टेक्स लेस फोर्स टू मूव समथिंग जब हमें कभी भी स्क्रू खोलना होता है या लगाना होता है तो जब हम स्क्रू ड्राइवर का हेल्प लेते हैं तो उसको हम आसानी से कम फोर्स के आ, फो, कम कम फोर्स भी यूज करके मूव करा लेते हैं जो भी हमारा स्क्रू ड्राइवर है उसको हम इंसर्ट कर लेते हैं या आ, निकाल लेते हैं अदर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एग्जल आर स्टेयरिंग व्हील ऑफ़ अ कार स्टेयरिंग व्हील जो होती है कार में जो नीचे व्हील लगी रहती है और नीचे एक अटैचमेंट हो होता है तो वो क्या होता है जो अटैचमेंट होता है उसको क्या कहते हैं एक्जल और जो ऊपर व्हील जिसको ड्राइवर पकड़ के मूव कराता है कार को उसको क्या कहते हैं व्हील कहते हैं एंड अ ड्रिल यूज बाई अ कारपेंटर कारपेंटर जो ड्रिल यूज करता है ड्रिल मशीन यूज करता है उसमें भी क्या होता है सामने एक नेल लगी रहती है जो स्क्रू की तरह होती है और पीछे व्हील लगा रहता है उसी से स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ड्रिल की हेल्प से वो कारपेंटर जो लकड़ियों में छेद करता है नेक्स्ट वेज इट इज वी शेप्ड पीस जनरली मेड ऑफ मेटल क्या होता है वी शेप का uh, वो होता है सिंपल uh, मशीन होती है जिसको किससे बनाया जाता है मेटल से बनाया जाता है जैसे कि ये फिगर दिया गया है ये क्या है एक वेज है जिसको वी शेप वेज है uh, जिसे मेटल से बनाया गया है इट हैज टू इंक्लाइन प्लेन्स पुट टूगेदर टू फॉर्म अ शार्प एज क्या होता है इसमें टू इंक्लाइन प्लेन होता है एक इस साइड की और एक ही इसके बैक साइड की दो शार्प एजेस होती हैं इंक्लाइन पेन सॉरी दो इंक्लाइन पेन प्लेन होते हैं एक इस साइड का एक बैक साइड का जो कि आगे चल के जहाँ पे वो दोनों एज प्लेन्स मिलते हैं वहाँ पे एक शार्प एज बनती है एंड एग्जीट ब्लेड एंड नाइफ आर एग्जाम्पल ऑफ वेज ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वेज के इट इज यूज टू कट एंड स्प्लिट थिंग क्या होता है ये चीज़ों को काटने के लिए या उसको स्प्लिट करने के लिए मीन्स uh, अलग अलग करने के लिए दूर दूर करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है बेड्स का यूज़ किया जाता है जैसे कि ये इसका यूज तो देखा भी होगा वो लकड़ी काटने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लेड का यूज तो पता ही है कैसे होता है कंपाउंड मशीन्स

सच मशीन्स that कंसिस्ट of ऑफ सेवरल सिंपल मशीन्स फॉर their वर्किंग आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मशीन तो वो मशीन जिसके अंदर कई सारी छोटी छोटी मशीन्स लगी रहती हैं सिंपल मशीन लगी रहती हैं ताकि वो जो मशीन है वो ईजली uh, वर्क कर सके uh, जो भी हम जिस काम के लिए भी उसको बना रहे हैं उसका वो पूरा परफॉर्म कर सके उसको क्या कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं मशीन्स हैव मेड आर लाइफ सिंपल मशीन क्या करती है हमारी लाइफ को सिंपल बनाती हैं ईजी बनाती हैं फास्ट बनाती हैं वी मस्ट टेक टेक केयर ऑफ मशीन्स एंड मेंटेन देम प्रॉपरली इसलिए हमें जितनी भी हम मशीन हमारे पास हैं उनको हमें टाइम टू टाइम उसको देखना चाहिए कि उसमें कहीं कुछ डैमेज तो नहीं आ रहा है उनकी उनकी ऑयलिंग करते रहना चाहिए ताकि वो खराब ना हो okay class this is all about your chapter number 9 in next lecture we will discuss about the book uh, exercises of this chapter okay class thank you